शौकत बेटा मेरे ख्याल में कि तुम्हारे लिए ये मुनासिब रहेंगे। ये तो 50,000 रुपए हैं, ये क्या मजाक है बेटा? इनके साथ यास्मीन का जेवर तो एडवांस तो हो ही जाएगा गाड़ी का। यास्मीन का जेवर, बाकी की किस्तें तो हम देख लें। क्या देख लेंगे, ऐसे काम नहीं होगा मेरा भाई। मैंने कहा था ना मुझे ब्रांड न्यू गाड़ी चाहिए, वो भी यकमुश्त। शौकत, तुझे नई गाड़ी लेने की यकायक सूझी क्या? क्यों भाई, तुम लोग नहीं चाहते कि मैं अच्छी जिंदगी गुजारूं? अब नौकरी छोड़ दूंगा तो खाऊंगा क्या? नौकरी छोड़े? अब नौकरी कैसे छोड़ सकते हैं, दो बच्चे हैं हमारी। मुझसे नहीं होती है गरीबों वाली नौकरी भाई, कैब चलाऊंगा आजकल बड़ा धंधा है, वारे न्यारे हो जाएंगे। इतनी मुश्किल से भाईजान ने तुझे ये नौकरी दिलवाई थी अपनी जान पहचान से। एहसान किया है मुझ पे, हैं? मुझ पे एहसान किया है? जो कुछ किया है अपनी बेटी के लिए किया, मेरे लिए आज तक क्या किया है? और इनके जानने वाले इनकी तरह के कंजूस हैं। मुझसे नहीं होती भाई ये क्लर्कियां। मेरे अबू जी की जितनी हैसियत है उससे कहीं ज्यादा ही करते हैं वो आपके लिए। तो मैंने मिनते तरले किए थे हमारे खानदान में शादी करने को, बताओ मुझे हैं? अब कर लिए तो भुगतो, वरना रखो अपनी बेटी अपने पास। शौकत, ये ज्यादती कर रहा है तू? कर रहा हूँ मैं ज्यादती, कर रहा हूँ ज्यादती। और बताओ मुझे क्यों ना करूँ ज्यादती? तुम्हारी बेटी ने बेटियों पे बेटियां पैदा करके मेरे सर पर थोप दी हैं। अल्लाह की मर्जी, आप तो ऐसे करते हैं जैसे मैंने जान के सब। जान के किया तुमने, बिल्कुल जान के किया। तुम्हारे बाप की बेटियां ना, तुमने बदला लिया कि मेरी भी बेटियां हो। कल को उनकी शादियां होंगी, उनके शौहर मुझे छोड़ेंगे, मेरी गिच्ची नहीं पकड़ेंगे। बताओ मुझे क्या करूंगा मैं, बताओ। शौकत, हम समझ रहे हैं तुम्हारी परेशानी, लेकिन तुम भी तो हमारे हालात समझो, हम इतने पैसे कहाँ से लाएं? दौलत पर कुंडल डालकर बैठे हुए कह रहे पैसे कहाँ से लाएं? ये घर है ना, इसको बेच दो, पैसे आ जाएंगे। गाड़ी आएगी तो तुम्हारी बेटी घर जाएगी, वरना घर पे बैठी रहेगी। तो बस ठीक है, ना गाड़ी आएगी और ना मैं। आप मुझे छोड़ना चाहते, दे दें आप मुझे तलाक। बस तो ठीक है, दे देता हूँ तुम्हें, अभी के अभी तलाक देता हूँ, ठीक है? तलाक चाहिए ना तुम्हें? बेटा क्या बात है, तुम तो चुप रहो यास्मीन। अबे पहले समझाया होता अपनी बेटी को, इतनी लंबी जबान है, अगर बचपन में दो चमाटे लगाई होती ना तो इतनी नाफरमान ना होती। शुक्र है मैं अपनी बेटियों की तरह बदनसीब नहीं। मेरे अब्बू जी बहुत अच्छे। तुम्हारे अब्बा बहुत अच्छे हैं ना, तो रहो अपने बाप के पास, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, जा रहा हूँ मैं। मेरे पीछे कोई ना, हटो। शौकत, शौकत रहने दो। ओ शौकत, हो गया तुझे सुकून? जुबान नहीं बंद होती तेरी। क्या होगा, रोज नया बखेड़ा, रोज नया तमाशा। शौकत बेटा, अबे बस कर दो, सिर्फ वक्त बर्बाद करने के लिए बुलाते हो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। बेटा बात तो सुनो तो। क्या बात सुनूं क्या? शौकत बेटा इसको रख ले, बाकी का मैं इंतजाम कर दूं। नहीं चाहिए मुझे नाच गाने और तमाशों की हराम के पैसे, रखो अपने पास। ये हराम की कमाई है, ये मेहनत की कमाई है, और जो आप लूट के पैसे खा रहे हैं ये हलाल की कमाई है। ये क्या बकवास कर रही है, क्या बकवास कर रही है? आप हमेशा दब जाते हैं इनसे, हमेशा इनकी बातें सुनने लग जाते हैं। बेटा आप हर बात में बोलना छोड़ दें, जाएं अंदर, जाएं, जाएं। शौकत बेटा बच्ची है, नाराज ना होना है, ले मेरी खुशी की खातिर रख ले। बाकी पैसों का बंदोबस्त कर लेना, वरना इसका हिसाब नहीं होगा। और ये अपनी बेटी की जबान को ना लगाम दो, बहुत लंबी हो गई है, वरना हाथ से निकल जाएगी।